सरकार ये है, सरकार कह लो या खरीद एजेंसी कह लो, वो कोई 60 किलोमीटर पे गोदाम की जगह दे रहे हैं, कोई 80 किलोमीटर पे, कई 100 किलोमीटर पे, और कई राइस मिलर्स को तो ये भी बोला गया है कि आप आउट ऑफ स्टेट जाके चावल लगा दीजिए। और इसमें हैरानी की बात तो ये है कि सरकार हमसे लिखवा के ले रही है कि हम कोई किराया उनसे क्लेम नहीं करेंगे, मतलब सरकार हमें कोई किराया नहीं देना चाहती। हमारे से अगर मैं साहा में बैठा हूँ या नारायणगढ़ में बैठा हूँ, हमसे कहा जा रहा है कि आप पानीपत जाके माल लगाओ या मुरादाबाद जाके माल लगाओ, चावल लगाओ गोदाम में, लेकिन उसका किराया भी आपको नहीं मिलेगा। ये तो एक ब्लैकमेलिंग हुई, क्योंकि हम लोग पिछले साल एग्रीमेंट कर चुके हैं, एग्रीमेंट की शर्तों से हम बाध्य हैं, और सभी राइस मिलर्स की इन्वेस्टमेंट हुई हुई है, एफडीआई जमा करवाई हुई है सरकारी खरीद एजेंसियों के पास। अब वो सारा कुछ तो हमने अपने सेलर तो गिरवी रखे हुए एजेंसियों के पास, अब वो हमें ब्लैकमेल कर रहे हैं कि आउट ऑफ स्टेशन में जाके चावल लगवाए। अब तो मजबूरी है, लेकिन अगले साल हम कोई किसी मजबूरी में नहीं आना चाहते। हम तो बिल्कुल एकदम हम काम करना चाहते हैं बिना मजबूरी के। हम तो ये कह रहे हैं कि सरकार हमें सहयोग दे। और दूसरी सबसे बड़ी बात, पिछले 20-25 सालों से जो मिलिंग चार्जेज है, जो जॉब वर्क के जो हमें पैसे दिए जाते हैं सरकार की तरफ से, वो 10 रुपए प्रति क्विंटल है। अब 20 सालों से क्या किसी की तनख्वाह नहीं बढ़ी? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप लोग भी काम कर रहे हैं, बिजली के बिल, तनख्वाहें, मेंटेनेंस चार्जेस, पेट्रोल डीजल की सब चीजें कहां से कहां पहुंच गई हैं। लेकिन एक मिलर के लिए 20 साल से ऊपर हो गया है कि मिलिंग चार्जेस सिर्फ 10 रुपए प्रति क्विंटल ही दे रहे हैं। अब हम इस कंडीशन में काम करने में असमर्थ है, हमसे और नहीं सहा जाता। छत्तीसगढ़ जैसी स्टेट्स में सरकार द्वारा 120 रुपए प्रति क्विंटल मिलिंग चार्जेस दिया जा रहा है। जब छत्तीसगढ़ जैसी स्टेट में दिया जा सकता है, तो हम हरियाणा वालों से क्यों भेदभाव? हरियाणा तो हरित क्रांति के लिए जाना चाहता है, हरियाणा पंजाब, और अभी से भेदभाव हो रहा है। हम तो ये कह रहे हैं कि हमें काम करना है, हमें थोड़ी सी रिलैक्सेशन दो। और तीसरी बात कि जो पैडी आती है, जो सरकारी खरीद एजेंसियां हमें पैडी देते हैं, उसके एविज में हमें 67% चावल देना होता है। यानी जो यील्ड है, सरकार की डिमांड ये है कि मैं 100 किलो आपको पैडी दूंगा, आप मुझे 67 किलो चावल वापस उसको दीजिए। ये कंडीशंस तब बनी थी जब पैडी के धान के बीजों की कसम जो किस्म थी वो दूसरी थी। अब पिछले कई सालों से हाइब्रिड बीज आ गए हैं, उनका उतना यील्ड निकलता ही नहीं है, और ऊपर से अब सारी जो हार्वेस्टिंग है, जो जीरी की कटाई है, वो बड़ी बड़ी मशीनों कंबाइन मशीन से हो रही है, जिनके कारण टुकड़ा भी हो रहा है। हाइब्रिड पैडी के कारण यील्ड जो है 60-62% ही निकल पाता है। तो हमारी सरकार से ये भी निवेदन है कि जो अब आगामी सीजन में जो पॉलिसी आए, उसके अंदर यील्ड की परसेंटेज कम से कम 62% दे हमें। और चौथी चीज, जो ब्रोकन राइस है, सरकार या खरीद एजेंसियों की जो कंडीशन है ब्रोकन राइस की, वो ये कहते हैं कि जो चावल आप हमें सप्लाई करेंगे, उसके अंदर ब्रोकन राइस की मात्रा ज्यादा से ज्यादा 25% होनी चाहिए। लेकिन हम जब चावल की कुटाई करते हैं, मिलिंग करते हैं, शेलिंग करते हैं अपने शेलर्स में और राइस मिल्स में, पिछले 3-4 साल से हम देख रहे हैं कि जो ब्रोकन है वो 35-40% हो रहा है। तो हमारी ये भी एक सरकार से निवेदन है, खरीद एजेंसियों से निवेदन है कि जो ब्रोकन राइस है उसकी परसेंटेज 25% से बढ़ाकर 35% की जाए। एक जैसे के पिछले सालों में भी नॉन स्पेस सर्टिफिकेट इशू करती है सरकार, अब के वो सर्टिफिकेट भी इशू नहीं कर रही है। अगर वो होल्डिंग चार्जेस और काट रहे हैं, अगर वो सर्टिफिकेट हमें दे दें तो हमारा होल्डिंग चार्ज बचेगा। जब जगह सरकार के पास नहीं है, सर्टिफिकेट वो इशू नहीं करना चाहते, और जबकि
चावल के फ्राइट का जो है एफसीआई ने सेंट्रल गवर्नमेंट ने पैसे देने हैं, एग्रीमेंट में पॉलिसी में बिल्कुल क्लियर लिखा है कि 0 किलोमीटर से बाद आपको किराया मिलेगा, लेकिन स्टेट एजेंसियां धक्का कर रही हैं। कारण क्या है? जो उत्तरी हरियाणा के राइस मिलर्स हैं, इनका मेनली काम ही सीएमआर का है, जो सरकारी पैडी की मिलिंग करना। जो दूसरे रीजन के जो राइस मिलर्स हैं, वो और भी बारीक राइस का, बासमती का, दूसरी किस्मों के चावल का प्राइवेट काम भी करते हैं। हमारा तो सिर्फ रोजी रोटी ही यही है। हम अपने अपने लेवल पे, अपने अपने स्टेशन से, जैसे नारायणगढ़ स्टेशन, सहार स्टेशन, मुलाना, यमुनानगर, बिलासपुर, सब स्थानीय एसोसिएशंस ने अपने अपने स्टेशन से अपने अपने एडमिनिस्ट्रेटर, जैसे एसडीएम साहब हो गए वहाँ के या डीसी साहब हो गए, उनको ये सारा मेमोरेंडम दे चुके हैं। काफी बार उनसे मीटिंग्स भी हो गई हैं, तो कोई रिप्लाई नहीं आ रहा है। 25 करोड़ के आसपास एस्टिमेटेड अमाउंट है जी, जो हमारे उत्तरी हरियाणा राइस मिलर्स का पेंडिंग है पिछला। हाँ जी, लगभग। और ये पैसा सारा सर सेंट्रल गवर्नमेंट से आना है, स्टेट पे कोई भार नहीं है इसका, लेकिन वो तो देने के लिए तैयार हैं, ये नहीं मानते। फूड सप्लाई डिपार्टमेंट पूरी लिखत पढ़त नहीं कर रहा।